वकील साहब, आप बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगी। कामिनी जी, आज तक मैं कोई केस नहीं हारा हूं और ये केस भी मैं जीत के ही रहूंगा। मैं काजल को लेकर 3 बजे उसके ससुराल जाऊंगा और देख लेना प्रतिभा, हमारी बेटी काजल अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, भला हमारी बेटी हम पे बोझ कैसे हो सकती है। ये तो इस बाप के कलेजे का टुकड़ा है। अब इसी ने कहा कि ये ससुराल जाना चाहती है तो भाभी जी मैं लेकर चला आया। जिस तरह से आप इसे इसके कहने पर यहां लाए हो ना, उसी तरह से मेरे कहने पे आप इसे यहां से ले जाइए। क्योंकि इस घर में आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहिए भाभी जी, मेरी बेटी आपकी बहू है, अगर आप इसे ठुकरा देंगी तो ये कहां जाएगी बेचारी। वो मुझे नहीं मालूम आपकी बेटी कहां जाएगी। जब से हमने आपकी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ा है तब से मेरे बेटे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, इसलिए आप इसे यहां से ले जाइए। भाभी जी, भाभी जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आपको जो कुछ भी भला बुरा कहना है मुझे कहिए। लेकिन मेरी मासूम बच्ची पर लांछन लगाई, आपके साथ जो भी अनहोनी हुई है उसका दोषी इसे बट्टे नहीं। लगता है इस मासूम के साथ रिश्ता जोड़कर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। आपके इस मासूम बेटी के साथ रिश्ता जोड़कर इस भूल की माफी के लिए आपको कितना रुपया चाहिए? 5 लाख? 10 लाख? जितना रुपया आपको चाहिए आपके मुंह पे मारने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन आपकी इस मासूम बेटी को मेरी नजरों के सामने से दूर लेकर जाओ। भला कोई ऐसे रिश्ते थोड़े और जोड़े जाते हैं? कैसे रिश्तेदार हैं आप? कौन जोड़ेगा आपसे रिश्ता? आपको रिश्तेदार कहने में भी हमें शर्म आती है। कामिनी, तुम कैसी बातें कर रही हो कामिनी? ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। रमाकांत जी हमारे समधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अब सुनिए। देखो, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। अंदर चलो। कामिनी, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज आप कुछ मत बोलिए। उस रमाकांत की बेटी काजल को मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। कामिनी, वो रमाकांत जी की बेटी नहीं, हमारी बहू भी है। मैं नहीं मानती उस मनुष को अपनी बहू। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? सारे लोग, सारे रिश्तेदार, हमारे सब पड़ोसी जानते कि वो हमारी बहू है और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो लोग क्या कहेंगे? कामिनी, लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं।
उस मनुष्य को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी, बस। देखो कामी, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। उत्तेजना में केवल सारे फैसले गलत हो सकते हैं। क्या गलत क्या सही मुझे कुछ नहीं समझना, बस इतना जानती हूँ कि इस लड़की की वजह से मेरे बेटे पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं उस मनुष्य को इस घर में नहीं आने दूंगी। लेकिन तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती कि जो कुछ संदीप के साथ हो रहा है वो सब काजल की वजह से? मेरा दिल कहता है कि जो कुछ भी हुआ है वो इस मनुष्य की वजह से ही हुआ। मैं अपने संदीप की दूसरी शादी करवा के रहूंगी। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें कामनी। देखो तुम्हारी भी एक लड़की है, कल को उनकी भी शादी होनी है। भगवान न करे कल उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी? और साथ ही ये भी सोचो कामनी, अगर तुमने एक बहू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया तो ये जानने के बाद कल अपने बेटे के लिए तुम्हें बेटी कौन देगा? देखो मेरी बात मानो, ये सारे वहम भुलाकर इस घर की बेटी और इस घर की लक्ष्मी को विधि पूर्वक घर में प्रवेश करवाओ। देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कामिनी ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। देखो तुम आरती का इंतजाम करो, तब तक मैं रामाकांत जी से थोड़ी बात करता हूँ। ओके इसे गिराकर घर में प्रवेश करो। पल दो पल का सा। रामाकांत जी, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए शर्मिंदा तो मैं हूं क्योंकि कामिनी ने आपके साथ ऐसा बर्ताव जो किया है। नहीं नहीं मनोज जी, भाभी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाभी जी इस घर की बड़ी हैं, सास है मेरी बेटी की, उन्हें मुझ पर और काजल पर नाराज होने का पूरा पूरा अधिकार है। इस जन्म में मैं उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। हमारी भी तो गलती है विनोद जी, हम आपको बगैर बताए हुए आपकी दहलीज पर आ गए। कैसी बातें कर रहे हैं प्रभाकांत जी? देखिए जितना अधिकार इस घर पे संदीप का है उतना ही काजल का भी है। काजल हमारे घर की बहू है और अपने घर पे आने के लिए उसे किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। विनोद जी आपके इन शब्दों ने मुझे निश्चिंत कर दिया, मेरी बेटी की तरफ से मैं निश्चिंत हो गया। काजल बेटी अपने ससुर का आशीर्वाद लो बेटा। नहीं बेटा रुको, जहां इतनी देर तुमने इंतजार किया है अपने घर आने का, अभी थोड़ा और रुक जाओ क्योंकि तुम्हारे गृह प्रवेश की विधि अभी बाकी है, बस कामनी आती होगी। आओ कर। इसे गिराकर घर में प्रवेश करो।
सदा सौभाग्यवती रहो बेटा। चलो आओ अंदर। आओ बेटा आइए। रमाकांत जी, रमाकांत जी आप बेफिक्र रहिए, काजल हमारी बहू ही नहीं बेटी है। लेकिन मुझे इतना पता है कि आज काजल दीदी अपने ससुराल 3 बजे जा रही है। ऐसे क्या देख रही होने ना, ये तुम्हारी काजल भाभी है और जब तक संदीप भैया वापस घर नहीं आते तब तक तुम्हें इनका ध्यान रखना है। जाओ से कमरे में ले जाओ, जाओ बेटी। नहीं नहीं, ये मर जाएगी। पापा पापा मर जाएगी, ये भी मर जाएगी, मर जाएगी, पापा मर जाएगी, ये मर जाएगी, ये भी मर जाएगी। क्या बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो कमरे में चलो पिया। मर जाएगी। जाओ बेटा, भाभी को इनका कमरा दिखा दो। जाओ बेटा। आइए भाभी। आइए रमाकांत जी। आप परेशान मत रहें, मैं आपको बताता हूँ। आइए बैठिए। ये बैठ। पिया बेटी। रमाकांत जी, जब पिया की उम्र 6 साल की थी तो उसने अपनी माँ को इन्हीं सीढ़ियों से गिरकर मरते हुए देखा था और उसके दिमाग में सदमा बैठ गया था। और डॉक्टर का कहना है कि जब भी वो किसी को सज धज कर देखती है तो उससे अपनी मां की याद आती है। वो ऐसे ही चिल्लाने लगती है कि ये भी मर जाएगी, वो भी मर जाएगी। लगता है आज काजल को देखकर भी उसे अपनी मां की याद आ गई। मनोज जी, प्रिया बेटी की ये परेशानी खत्म तो हो जाएगी ना? हाँ, डॉक्टर का तो ऐसा कहना है कि पिया के दिमाग से हम उस सदमे को भुला नहीं पाएंगे, उसकी मां की याद को नहीं निकाल सकते। लेकिन दवाइयां चल रही हैं, शायद शायद भगवान ही कुछ करिश्मा कर सकता है। सुनो जी, ये तो आपने बहुत दुख की बात बताई। सुख और दुख तो जीवन के दो अंग हैं रमाकांत जी, और इनका आना जाना जीवन में तो लगा ही रहता है। मैं तो बहुत परेशान था कि आखिर मैं पिया को संभालूंगा कैसे, लेकिन कामिनी ने आकर ये मेरी मुश्किल आसान कर दी और मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे ठीक भी कर देगी। नहीं नहीं मम्मी, मुझे सुई नहीं लगवानी, प्लीज मम्मी। नहीं 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 नहीं, मम्मा। एक बार ईश्वर संदीप पे आई हुई सारी परेशानियां टाल दे, फिर इस घर में खुशियां ही खुशियां। जी रमाकांत जी, आप निश्चिंत रहिए, और जब तक संदीप इस घर में नहीं आता है तब तक काजल यहां बहू बनकर नहीं बेटी बनकर रहेगी। अब ये बात कहने की तो जरूरत ही नहीं होगी विनोद जी, ये तो मेरी बेटी काजल का नसीब है, भाग्य है कि उसे आपकी छत्रछाया नसीब। पिया को इंजेक्शन देके सुला दिया है मैंने। ये तुमने बहुत अच्छा किया, और जब वो सोकर उठेगी ना तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। नैना कहाँ है? नैना वो काजल को उसके बेडरूम में लेकर गई। भाभी जी, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अरे नहीं रमाकांत जी, सच बात तो यह कि गलती इससे हुई है और इसे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं विनोद जी, भैया जिस काजल की वजह से आज आपकी ये हालत है, मैं अगर उस काजल को आपकी जिंदगी में वापस ना ला पाई तो मैं उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। पल दो पल का
पल दो पल का सा। अच्छा मनोज जी, भाभी जी, कामिनी, आज तुमने मेरी बात का मान रख के और मेरी बात मानकर मेरा दिल जीत लिया है। आपके सिवा मेरी जिंदगी में और है ही क्या? अरे पापा को मेरी शादी से पहले मेरी स्कल्लो बहन की शादी करनी चाहिए थी। क्या सोच रही हो नैना? भाभी, मैं जब भी भैया के रूम में आती हूँ मुझे भैया की बहुत याद आती है। हर लड़की का दिल ऐसा ही होता है, कोई भी बहन अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकती। भाभी, आप भैया के बगैर इस रूम में अकेले रह पाओगे? नैना, तुम्हारे भैया ने मुझसे जन्म जन्म का साथ जरूर जोड़ लिया, पर आज तक मैं रही तो उनके बगैर ही हूं। मेरे पास ना तो उनकी कोई भी याद है और ना ही उनके साथ बिताए हुए कोई भी पल। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर भी ऐसा एहसास होता है कि वो मेरे पास है, जबकि अपने मायके में मुझे उनसे दूर होने का एहसास होता है। भाभी, शादी के बाद क्या हर लड़की अपने पति से इतना ही प्यार करती है जितना आप भैया से करती हैं? औरों का तो नहीं पता नैना, पर मेरी नजर में शादी एक बहुत पवित्र बंधन है, एक ऐसा बंधन जो जन्म जन्म का साथ है, और हर लड़की को इस बंधन का सम्मान करना चाहिए, इससे प्यार करना चाहिए। भाभी, अगर कोई लड़की किसी लड़के से शादी से पहले प्यार करे तो ऐसे प्यार के बंधन को आप क्या कहेंगी? नैना, वो लड़की बहुत ही खुशनसीब होती है जिसका प्यार उसका जन्म जन्म का साथी बन जाता है। किस सोच में डूबे हैं भैया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आज तेरे और सिद्धार्थ के बारे में सोच रहा था। मेरे और सिद्धार्थ के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? संध्या, हम दोनों बहन भाइयों के ऊपर माँ बाप का साया तो था नहीं, इसलिए तेरे बारे में सोचने का फर्ज तो मेरा ही बनता है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना जल्द से जल्द तेरी और सिद्धार्थ की शादी कर दें। और आपकी शादी? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। भैया, क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? आप शादी नहीं करेंगे? संध्या, मैं तेरे बारे में बात कर रहा हूं, तू मुझे ही लेके बैठ गई। अगर आप मेरे बारे में सोच सकते हैं तो क्या मैं आपके बारे में नहीं सोच सकती? संध्या प्लीज, भैया मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ, जब तक आप शादी नहीं करेंगे मैं भी शादी नहीं करूंगी। भैया, आप काजल को भूलकर अपनी नई जिंदगी क्यों नहीं शुरू करते हैं? संध्या, मेरे शादी ना करने से काजल का कोई लेना देना नहीं। ये शराब जिसे आप कभी हाथ भी नहीं लगाते थे, ये उस वक्त से आपके गले पड़ी है जब से काजल आपसे दूर गई है, और तभी से आप अपनी वकालत छोड़ के घर बैठे हुए हैं। मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूं भैया। संध्या, तुम कुछ नहीं समझती। संध्या, हमारे बाप दादा ने इतनी बड़ी जायदाद छोड़ी हमारे लिए, तो फिर मुझे क्या जरूरत है अदालत में जाके सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की? और रही बात ये इस शराब की, तो ये शराब गरीबों के लिए होती है, हम बड़े लोगों के लिए शौक होता है। वाह भैया, क्या दलील पेश की आपने। सीधे सीधे अपनी बर्बादी का कारण काजल की जगह बाप दादाओं की जायदाद को बता दिया, पर आप ये दलील पेश करते वक्त शायद ये भूल गए
कि आपके इस दलील को सुनने वाला यहाँ कोई अदालत का जज नहीं, बल्कि आपकी अपनी बहन बैठी है। आपकी वो बहन बैठी है जिसे सब कुछ बर्दाश्त है, पर अपने भाई की ये हालत बर्दाश्त नहीं। संध्या, भैया जिस काजल की वजह से आज आपकी ये हालत है, मैं अगर उस काजल को आपकी जिंदगी में वापस ना ला पाई तो मैं उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूँ। तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि काजल दीदी किसी मुसीबत में। प्रतिभा, हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जिस झूठ से किसी का नुकसान ना हो, किसी का फायदा हो, वो झूठ झूठ नहीं होता।